नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे चैनल सक्षी पटल पर। आशा है आप सभी स्वस्थ एवं संपन्न होंगे। मैं डॉक्टर सुनीता मिश्रा, इस वीडियो में आज हम बात करेंगे मृत्यु के बाद क्या होता है। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को गीता का ज्ञान दे रहे हैं। अर्जुन पूछता है, हे त्रिलोकीनाथ, आप आवागमन अर्थात पुनर्जन्म के बारे में कह रहे हैं, इस संबंध में मेरा ज्ञान पूर्ण नहीं है। यदि आप पुनर्जन्म की व्याख्या करें तो अति कृपा होगी। कृष्ण बताते हैं, इस सृष्टि के प्राणियों को मृत्यु के पश्चात अपने अपने कर्मों के अनुसार पहले तो उन्हें परलोक में जाकर कुछ समय बिताना होता है, जहां वो पिछले जन्मों में किए हुए पुण्य कर्मों अथवा पाप कर्म का फल भोगते हैं। फिर जब उनके पुण्यों और पापों के अनुसार सुख दुख भोगने का हिसाब खत्म हो जाता है, तब वो इस मृत्युलोक में फिर से जन्म लेते हैं। इस मृत्युलोक को कर्मलोक भी कहा जाता है, क्योंकि इसी लोक में प्राणी को वो कर्म करने का अधिकार है जिससे उसकी प्रारब्ध बनती है। अर्जुन पूछते हैं, केशव, हमारी धरती को मृत्युलोक क्यों कहा जाता है? कृष्ण बताते हैं, क्योंकि हे अर्जुन, केवल इसी धरती पर प्राणी जन्म और मृत्यु की पीड़ा सहते हैं। अर्जुन पूछता है, अर्थात दूसरे लोकों में प्राणी का जन्म और मृत्यु नहीं होता? कृष्ण बताते हैं, नहीं अर्जुन, उन लोकों में ना प्राणी का जन्म होता है ना मृत्यु, क्योंकि मैंने तुम्हें पहले ही बताया था, मृत्यु केवल शरीर की होती है, आत्मा की नहीं। आत्मा तो न जन्म लेती है न मरती है। अर्जुन फिर पूछते हैं, तुमने तो ये भी कहा था कि आत्मा को सुख दुख नहीं होते, परंतु अब ये कह रहे हो कि मृत्यु के पश्चात आत्मा को सुख भोगने के लिए स्वर्ग आदि में अथवा दुख भोगने के लिए नरक आदि में जाना पड़ता है। तुम्हारा मतलब यह है कि आत्मा को केवल पृथ्वी पर ही दुख सुख नहीं होते, स्वर्ग अथवा नरक में आत्मा को सुख या दुख भोगने पड़ते हैं। श्री कृष्ण बताते हैं, नहीं अर्जुन, आत्मा को कहीं किसी भी स्थान पर या किसी भी काल में सुख दुख छू नहीं सकती, क्योंकि आत्मा तो मुझ अविनाशी परमेश्वर का प्रकाश रूप है। हे अर्जुन, मैं माया के अधीन नहीं, बल्कि माया मेरे अधीन है। सुख दुख तो माया की रचना है, इसीलिए जब माया मुझे अपने घेरे में नहीं ले सकती तो माया के रचे हुए सुख और दुख मुझे कैसे छू सकते हैं? सुख दुख तो केवल शरीर के भोग है, आत्मा के नहीं। अर्जुन कहता है, हे केशव, लगता है कि तुम मुझे शब्दों के माया जाल में भर मार रहे हो। मान लिया कि सुख दुख केवल शरीर के भोग है, आत्मा इससे अलिप्त है, फिर जो शरीर उनको भोगता है उसकी मृत्यु हो जाती है, वो शरीर तो आगे नहीं जाता, फिर स्वर्ग अथवा नरक में सुख दुख को भोगने कौन जाता है? अर्जुन पूछता है, जीव आत्मा, ये जीव आत्मा क्या है केशव? कृष्ण कहते हैं, हे पार्थ, जीव आत्मा, देखो, जब किसी की मृत्यु होती है तो असल में ये जो बाहर का स्थूल शरीर है केवल यही मरता है। इस अस्थूल शरीर के अंदर जो सूक्ष्म शरीर है वो नहीं मरता, वो सूक्ष्म शरीर आत्मा के प्रकाश को अपने साथ लिए मृत्यु लोक से निकलकर दूसरे लोकों को चला जाता है। उसी सूक्ष्म शरीर को जीवात्मा कहते हैं। अर्जुन पूछता है, इसका अर्थ है जब आत्मा एक शरीर को छोड़कर जाती है तो साथ में जीवात्मा को भी ले जाती है? कृष्ण कहते हैं, नहीं अर्जुन, ये व्याख्या इतनी सरल नहीं। देखो, जैसे समुद्र के अंदर जल की एक बूंद समुद्र से अलग नहीं है, उसी महासागर का एक हिस्सा है, वो बूंद अपने आप सागर से बाहर नहीं जाती। हाँ, कोई उस जल की बूंद को बर्तन में भर कर ले जाए तो वो समुद्र से अलग दिखाई देती है। इसी प्रकार सूक्ष्म शरीर रूपी जीवात्मा उस आत्मज्योति के टुकड़े को अपने अंदर रखकर अपने साथ ले जाता है। यही जीवात्मा की यात्रा है, जो एक शरीर से दूसरे शरीर में, एक योनि से दूसरे योनि में विचरती रहती है। इस शरीर में, सुन अर्जुन, एक सूक्ष्म शरीर समाये रे, ज्योति रूप वही सूक्ष्म शरीर तो जीवात्मा कहलाए। मृत्यु समय जब वह जीवात्मा तन को तज कर जाए, धन दौलत और सगे संबंधी कोई संग नहीं आए, पाप पुण्य संस्कार वृत्तियाँ सभी साथ जाएं, जैसे फूल से उसकी खुशबू पवन उड़ा कर ले जाए, संग चले कर्मों का लेखा जैसे कर्म कमाए, अगले जन्म में पिछले जन्म का आप हिसाब चुकाए। हे अर्जुन, जीवात्मा जब एक शरीर छोड़कर जाती है तो उसके साथ उसके पिछले शरीर की वृत्तियाँ
उसके संस्कार, उसके भले कर्मों का लेखा जोखा अर्थात उसकी प्रारब्ध सूक्ष्म रूप में साथ जाती है। अर्जुन पूछते, हे मधुसूदन, मनुष्य शरीर त्यागने के बाद जीवात्मा कहाँ जाता है? कृष्ण कहते हैं, मानव शरीर त्यागने के बाद मनुष्य अपने प्रारब्ध के अनुसार अपने पाप पुण्यों को भोगना पड़ता है। इसके लिए भोग योनियां बनी हैं जो दो प्रकार की हैं, उच्च योनियां और नीच योनियां। स्वर्ग नरक क्या है? श्रीमद् भगवद गीता। एक पुण्य वाला मनुष्य का जीवन का जीवात्मा उच्च योनियों में स्वर्ग में रहकर अपने पुण्य भोगता है। पापी मनुष्य का जीवात्मा नीच योनियों में नरक में रहकर अपने पापों को भोगता है। कभी कभी ऐसा होता है कि कई प्राणी स्वर्ग नरक का सुख दुख पृथ्वी लोक पर ही भोग लेते हैं। अर्जुन पूछता है, इसी लोक में वो कैसे? कृष्ण कहते हैं, वो समझो अर्जुन कि जैसे कोई मनुष्य संपन्न है, महल में है, उसकी सेवा के लिए 10 दासियां हर समय खड़ी, उसका इकलौता जवान बेटा है जिसे संसार में सबसे अधिक प्रेम करता है, अपने आप को संसार का भाग्यशाली मनुष्य समझता है, परंतु एक दिन उसका जवान बेटा किसी दुर्घटना में मारा जाता है, दुखों का पहाड़ उस पर टूट जाता है, संसार की हर वस्तु उसके पास होने के बावजूद वो दुखी रहता है, मरते दम तक अपने पुत्र की मृत्यु से की पीड़ा से मुक्त नहीं होता, तो पुत्र के जवान होने तक उस मनुष्य ने जो सुख भोगे वह स्वर्ग के सुखों की भांति थे, पुत्र की मृत्यु के बाद उसने जो दुख भोगे वो नरक के दुखों से बढ़कर थे। जो मनुष्य को इसी तरह इसी संसार में रहकर भी अपने पिछले जन्मों के सुख दुख को भोगना पड़ता है। अर्जुन पूछता है, हे मधुसूदन, अब ये बताओ कि मनुष्य अपने पुण्यों को किन किन योनियों में कहाँ कहाँ भोगता है? कृष्ण बताते हैं, पुण्यवान मनुष्य अपने पुण्यों के द्वारा किन्नर गंधर्व देवताओं की योनियाँ धारण करके स्वर्ग लोक में जब तक रहता है तब तक उसके पुण्य छेड़ नहीं हो जाते। अर्जुन पूछता है, अर्थात? कृष्ण कहते हैं, अर्थात ये कि प्राणी के हिसाब में जितने पुण्य कर्म होते हैं उतनी ही देर तक उसे स्वर्ग में रखा जाता है। जब पुण्यों के फल की अवधि समाप्त हो जाती तो उसे फिर पृथ्वी लोक वापस आना पड़ता है और मृत्यु लोक में पुनर्जन्म धारण करना पड़ता है। मतलब वह योग भ्रष्ट पुण्य कर्म करने वालों के लोगों को प्राप्त होकर वहाँ बहुत वर्षों तक रहकर फिर यहाँ शुद्ध श्रीमानों के घर में जन्म लेता है। अर्जुन पूछता है, परंतु स्वर्गलोक में मनुष्य के पुण्य क्यों समाप्त हो जाते हैं? वहाँ जब वो देवयोनिम होता है तब अवश्य अच्छे कर्म करता होगा, उसे इन अच्छे कर्मों का पुण्य नहीं मिलता? नहीं अर्जुन, उच्च योनि में देवता बनकर प्राणी जो अच्छे कर्म करता है या नीच योनि में जाकर प्राणी जो कुकर्म करता है उन कर्मों का उसे कोई फल नहीं मिलता। अर्जुन पूछता है, क्यों? कृष्ण कहते हैं, क्योंकि वो सब भोग योनियां हैं, वहाँ प्राण केवल अपने अच्छे बुरे कर्मों का फल भोगता है, इन योनियों में किए हुए कर्मों का पुण्य अथवा पाप उसे नहीं लगता। हे पार्थ, केवल मनुष्य की योनि में ही किए हुए कर्मों का पाप या पुण्य उसे प्राप्त होता है, क्योंकि यही एक कर्म योनि है। पाप पुण्य का लेखा जोखा कैसे होता है? अर्जुन पूछते हैं, इसका अर्थ हुआ कि यदि कोई पशु किसी की हत्या करे तो उसका पाप उसे नहीं लगेगा, यदि कोई मनुष्य किसी की अकारण हत्या करे तो उसका पाप उसे लगेगा, परंतु यह अंतर क्यों? कृष्ण कहते हैं, इसलिए कि पृथ्वी लोक पे समस्त प्राणियों में केवल मनुष्य ऐसा प्राणी है जो विवेकशील है, जो अच्छे बुरे की पहचान रखता है, दूसरा कोई प्राणी ऐसा नहीं कर सकता। इसीलिए यदि सांप किसी मनुष्य को अकारण डस ले और मर जाए तो सांप को उसकी हत्या का पाप नहीं लगता, इसी कारण दूसरे जानवरों की हत्या करता है तो उसे पाप नहीं लगता। बकरी का उदाहरण लो, बकरी किसी की हत्या नहीं करती, घास फूस खाती है, लेकिन इस कारण वो पुण्य की भागी नहीं बनती। पाप पुण्य का लेखा जोखा अर्थात प्रारब्ध केवल मनुष्य का बनता है, इसीलिए जब मनुष्य अपने पाप और पुण्य भोग लेता है तो उसे फिर मनुष्य की योनि में भेज दिया जाता है। अर्जुन पूछता है, अर्थात देव की योनियों में जो मनुष्य होते हैं वो अपना सुख भोग कर स्वर्ग से भी लौट आते हैं? कृष्ण कहते हैं, हाँ, और मनुष्य की योनि प्राप्त होने पर फिर कर्म करते हैं और इस तरह सदैव जन्म मृत्यु का कष्ट भोगते हैं। अर्जुन कहता है, क्या
ऐसा कोई स्थान नहीं जहाँ से लौट कर आना ना पड़े, जन्म मरण का चक्कर समाप्त हो जाए। कृष्ण बताते हैं ऐसा स्थान केवल परम धाम है, अर्थात मेरा धाम, जहाँ पहुँचने के बाद किसी को लौट कर नहीं आना पड़ता और इसी को मोक्ष कहते हैं। अगर आप शैक्षिक पटल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे और वीडियो को अंत तक जरूर देखा करें। वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, अपने बहुमूल्य सुझाव कमेंट बॉक्स में अवश्य दें। आपके सुझावों का, विचारों का हमें इंतज़ार रहता है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ, अपने दोस्तों, मित्रों, रिश्तेदारों में शेयर करें, उनसे सब्सक्राइब करवाएँ। धन्यवाद। नमस्कार।